यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे जो इसका रिएक्शन होता है कुछ अलग ही होता है. जो मिले ले लो. इस तरीके से वीडियो एडिट करके आपको दिखाऊंगा. तो इस वीडियो हम बात करेंगे अदर्स यूसी जैसे किस तरीके से वीडियो क्रिएट कर सकते हो. अदर्स यूसी नहीं, ऐसे बहुत क्रिएटर हैं जो ओमेगल रिएक्शन वीडियो क्रिएट करते हैं और उस टॉपिक के एडिटिंग नेक्स्ट लेवल का होता है. तो इस वीडियो में आपको दो स्टेप बताऊंगा और दो स्टेप से आप अपने ओमेगल वीडियो रिएक्शन को काफी हद से अच्छा कर सकते हो. आप पीसी लेवल पे तो नहीं, लेकिन एक काइन मास्टर सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत ही इजीली तरीके से आपको बताऊंगा एडिटिंग. तो फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि कैसे आप जूम आउट एंड जूम इन किया जाता है, जो कि आप एक प्रीव्यू में देख लिया होगे, राइट. तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो. सो हेलो गाइस, तो जैसे हम लोग काइनमास्टर के अंदर आ चुके हैं, आप ओमेगल वीडियो पे जो भी शूट किए होगे उस वीडियो को आपको इनपुट कर लेना है. जैसे कि यहाँ पे आपको बता दिया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस वीडियो को मैं ऐड किया एंड मैं सब कुछ यहाँ पे लगा है और मैं आपको एडिट करके बताऊंगा कि जूम आउट एंड जूम इन कैसे किया जाता है, राइट. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से थोड़ा सा वीडियो को स्क्रॉल कर देना है ताकि यहाँ पे रुके एंड आपको ट्रिम करना है, ठीक है, राइट. यहाँ पे ट्रिम, और जैसे कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रिम मारना है स्प्लिट करके, और जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ इतने पे लेके आप प्रीव्यू में देखे होगे, राइट. इस तरीके से आपको वीडियो को ले लेना है. अपने वीडियो को कुछ इस तरीके से लोगे तो आपका जो इस तरीके से वीडियो होगा एंड यहाँ पे पहले पे जूम करना है और पेन जूम पे इस तरीके से जाना है और इस तरीके से आपको रख लेना है, ठीक है. अब फिर बात आता है कि जो अगला जो स्क्रिप्ट के थे, तो इस तरीके से आपको अदर्स यूसी को लेना है, ठीक है. तो पेन जूम पे फिर से जाएंगे और इस तरीके से आगे की तरफ मतलब स्क्रॉल करना है ताकि आपका जो वीडियो होगा वो आए आगे की तरफ. इस तरीके से तीनों में आपको कर लेना है. अब बात यह है कि यहाँ पे एक बाइक करना है, तो अब गर्ल्स का भी करेंगे ताकि एक अच्छा लुक मिले इस तरीके से. तो यहाँ पे मैं इस तरीके से सेट किया और यहाँ पे इस तरीके से छोड़ दूंगा. अब जो वीडियो प्ले होगा, तो सॉरी थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया, ऑडियो नहीं है कहता. तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑडियो वीडियो को इंपोर्ट करके और एक्ट्रैक्ट ऑडियो में लेना है ताकि आपका ऑडियो इधर से उधर ना जाए, जैसे कि बोल कुछ और रहे हो कर कुछ और रहे हो, तो इस तरीके से ना हो. अब जो आप वीडियो प्ले होते हुए दिखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको हिलते हुए वीडियो दिखेगा ताकि और म्यूजिक बजता हुआ आएगा, ठीक है. तो जूम आउट एंड जूम इन करना आप जान गए. तो इस तरीके से जो वीडियो होती है, इस तरीके से जूम आउट एंड जूम इन किया जाता है. सो अभी आ चुके हैं हम लोग दूसरे स्टेप की तरफ, क्योंकि पहले स्टेप में बहुत ही इजीली तरीके से आपको बताया है. तो अब दूसरे स्टेप में आ जाते हैं कि वैल्यूम हाई एंड वैल्यूम लो कैसे करना है सॉन्ग के अंदर, तो उसको भी देख लेते हैं. आ जाओ काइनमास्टर के अंदर. तो अब बात करते हैं कि वैल्यूम हाई और वैल्यूम लो कैसे किया जाता है, जैसे कि बीट को गिराया कैसे जाता है और बीट को उठाया कैसे जाता है, ये बात करेंगे, ठीक है. तो उस तरीके से आपको वीडियो को उस वीडियो को ले लेना है जो आप लोग जूम आउट एंड जूम इन किए थे, उस वीडियो को फिर यहाँ पे इनपुट कर लेना है, ठीक है. तो जैसे मैं उस वीडियो को इनपुट कर लेता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रख लिया. अब जो वो वीडियो होगा कुछ इस तरीके से आपको एक्सपोर्ट करके उसको रख लेना है, यहाँ पे इस तरीके से लाना है, राइट, यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जो वैल्यूम हाई एंड कैसे लो किया जाता है ये बताता हूँ. देखो, आप एक इस वीडियो को जो वॉइस बोले होगे उसको एक्सट्रैक्ट ऑडियो में लेकर और नीचे के साइड में ले लेना है, ताकि इस वीडियो में जो भी इसमें टॉप हो छेड़छाड़ जो भी किया जाए इसमें म्यूजिक में कोई प्रभाव ना पड़े या वॉइस में कोई प्रभाव ना पड़े. तो इस तरीके से मैं एक सॉन्ग को ले लेता हूँ और इसमें एक सॉन्ग दे दूंगा जो आप इजिली यूज कर सकते हो बिना कॉपीराइट स्ट्राइक. ज़्यादातर ओमेगल जो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं वो अपने वीडियो में यूज करते हैं. तो जैसे मैं इस वाले सॉन्ग को ले लेता हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और नॉर्मली यहाँ पे जो आपका बीट गिरेगा यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वैल्यूम एक्सप्लोर करके मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है. अब जैसे क्लिक करोगे आपका एक ऐस तरीके से बीट मिलता होगा, ठीक है. तो आपको इसको लो करना है, ठीक है, पूरा लो करना है और इतने पे कुछ इस तरीके से आप एक बार प्ले करके देख लेना, ठीक है. और फिर आपको थोड़ा सा एक उठाना है बीट और फिर यहाँ पे नॉर्मली लेते आना, ठीक है. अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कुछ आपको हंसते हुए थोड़ा सा दिखेगा, तो एक प्लस मारना है आगे के साइड में इस तरीके से, और फिर यहाँ पे एक दिल करके आता होगा, मतलब बीच सॉन्ग पे इस तरीके से आपको थोड़ा सा उठाना है, ठीक है. यहाँ पे अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे गिरा देना है उसके लेवल में, फिर से लेके आना है नीचे साइड में. अब यहाँ पे कुछ छोड़ देना है, ठीक है. तो इस तरीके से जो म्यूजिक होती है इस तरीके से गिराया जाता है और फिर आगे जाके उसको उठा लिया जाता है, ठीक है. तो इस तरीके से बजता हुआ आएगा, एकदम से हाई हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से, और फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से फिर नॉर्मली यहाँ पे आपको प्लस देना नहीं है और इस तरीके से बजता हुआ जाएगा, फिर यहाँ पे
एक प्लस देना है, फिर इसको उठाना है और फिर इसको एक गिराना है और फिर इसको उठा लेना है। तो इस तरीके से जो म्यूजिक अब इसमें प्ले होते हुए दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ इतने पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पहले क्रॉप करके दिखाता हूँ सॉन्ग को। एंड इस तरीके से अपने वीडियो में आप यूज कर सकते हो, आपका जो वीडियो होगा काफ़ी ओपी दिखने लगेगा। तो इस तरीके से देख रहे होगे एंड बजता हुआ, तो इस तरीके से आपको म्यूजिक मिल जाते होंगे। एंड यहाँ पे कुछ आपको लास्ट टाइम जो बीट होगा ना, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा बजते हुए। तो अभी दिखाता हूँ ये ब्यूटीफुल ले गई कैसे बीट बज रहा होगा। ठीक है, तो इस पे आप सेव करके आप अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करके यूट्यूब पे भी डाल सकते हो, ये तो आप जानते होगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और यूट्यूब पे मेरे को काफ़ी टाइम ब्रेक लेते हो गया तो उसके लिए सॉरी। एंड इस वीडियो पे काफ़ी आप लोग प्यार दिखाओ, एंड मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।